कैसे होगा? कोई काम कभी खुद भी कर लिया करो, दिमाग खराब करके रखता है मेरा। सारा बेटा वो मैंने खाना बना दिया, तुम ऐसे करो रोटियां बना लो। हाँ दिखाओ। क्या अम्मी, मैं इसको पढ़ा रही हूँ ना, देख तो रही हूँ आप होमवर्क करा रही हूँ। बेटा मैं पढ़ा देती हूँ ना। आपसे कैसे पढ़ेगा, देखा नहीं आपने कितना ढीठ और बदतमीज है ये। चलो क्या ये स्पेलिंग सीखी है तुमने? सारा अम्मी सबा को कह देना। बेटा वो पढ़ रही है, उसका सुबह पेपर है। मैं बनाती हूँ। सबा इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है, मैं कर देती हूँ ना। अच्छा ठीक है, वो शामी कबाब है ना, वो भी तल देना और सलाद भी बना देना तुम। जी अब मैं पढ़ाऊँ आपको, आओ। ये भी ना बस। लाओ सबा दे दो मुझे, मैं बना देती हूँ। वैसे तुम बुराई मान गई। नहीं आप इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें घर के काम में दिलचस्पी नहीं। अरे नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ससुराल ही ऐसा मिला था, मुझे तो उठ के एक गिलास पानी भी नहीं पीना पड़ता था, बस हर वक्त नौकरों के हुक्म में चलाती रहती थी मैं। अच्छा दिल छोटा मत करो, अल्लाह ने चाहा तो वैसे ही घर में तुम्हारी शादी होगी। ना जाने मेरे नसीब में आगे क्या लिखा है, खालिद के बगैर तो मेरी जिंदगी मुझी पर बोझ बन गई है। तो तुम छोड़ो, लाओ मैं बना देती हूँ। आप ही मैं कर लूंगी। अम्मी नाराज हो जाएंगी ना, वो कहेंगी तुम्हें मैंने पढ़ते हुए उठाया है। अम्मी तो उठते बैठते मुझे नसीहत करती हैं कि आप ही का ख्याल रखा करो, कोई ऐसी बात ना करो जिससे उसकी दिल आजारी हो। मैं तो वैसे ही दुखों में घिरी हुई, मेरी दिल आजारी क्या होगी। आप या बस भी करो, वहां बैठो गरम गरम पराठे बना रही हूँ, खाओ। अच्छा चलो, अगर तुम इतनी इज्जत करती हो तो मैं बैठ ही जाती हूँ, साथ में सलाद और रायता भी बना देना।